तो इंडिया का टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो गया है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच सीरीज के साथ ही दोस्तों। और पहला जो डे था उसका पूरा रिव्यू लेके आया हूँ कि पहले दिन में क्या क्या हुआ था। अगर बात करें हम टेस्ट मैच की, द टेस्ट चैंपियनशिप जो खेला जा रहा है, अगर इंडिया ये मुकाबला जीतती है तो इन्हें 60 पॉइंट मिलेंगे और 60 पॉइंट से इंडिया को कितना फायदा होगा, पूरा डिटेल वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और हम बात करें सबसे पहले तो टॉस की, तो टॉस वेस्ट इंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। और जब उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेशन वन की, तो सेशन वन में लगातार इंडिया के 3 विकेट गिरे, यानी 25 रन पे टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवा दिए थे अपने। और जहां पे अगर हम बात करें तो पहले मयंक अग्रवाल ने जहां पे 5 रन बना के पवेलियन लौट गए, तो वही पुजारा 2 रन और विराट कोहली 9 रन बना के पवेलियन लौट गए, यानी ये तीनों खिलाड़ी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके थे। इस तरीके से इंडिया की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी और उसमें केमर रोच ने 2 विकेट निकाल के और गैब्रियल ने 1 विकेट निकाल के टीम इंडिया को पूरा बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया था। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला सेशन बीता और पहले सेशन में अगर जब तक खत्म हुआ था तो बात करें केएल राहुल 37 रन बना खेल रहे थे और अजिंक्य रहाणे 10 रन और टीम इंडिया का स्कोर था 63 पे 3। यानी पहला सेशन पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज के हक में गया था और ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज इस मैच में चढ़ बैठेगा और टीम इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल कर देगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें सेशन टू की, तो सेशन टू में टीम इंडिया जब बैटिंग करने आई तो कुछ अच्छे हाथ दिखाए थे और कुछ शॉट्स अच्छे खेले। लेकिन अगर बात करें केएल राहुल जहां 44 रन बना के पवेलियन लौट गए, तो उसके बाद हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर 50 रन के ऊपर पार्टनरशिप करी, लेकिन हनुमा विहारी भी 32 रन बना के पवेलियन लौट गए। और अगर बात करें हम दूसरे सेशन के एंड तक, तो अजिंक्य रहाणे 50 रन बना के नॉट आउट थे, तो वही हनुमा विहारी 18 रन बना के नॉट आउट थे और टीम इंडिया का स्कोर था 134 पे 4। यानी बारिश की वजह से टीम इंडिया को जल्दी दूसरा सेशन खत्म करना पड़ा, इसलिए टीम इंडिया का स्कोर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन तब भी एक अच्छी टोटल तक टीम इंडिया पहुंच गई थी, क्योंकि अगर हम बात करें चौथे दिन खेलना है वेस्ट इंडीज को और टीम इंडिया के पास ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि वेस्ट इंडीज के नाक में दम कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सेशन थ्री की शुरुआत हुई, तो सेशन थ्री में जहां पे जल्दी हनुमा विहारी आउट हुए तो वहीं पे रहाणे ने शानदार 50 जड़ी और 50 जड़ने के साथ ही बात करें तो रहाणे ने 81 रन की पारी खेली। तो उसके बाद ऋषभ पंत 20 रन बना के नॉट आउट है, तो वही रविंद्र जडेजा 3 रन बना के अभी तक नॉट आउट है। और टीम इंडिया को जल्दी बारिश की वजह से ये कल का मुकाबला जल्दी खत्म करना पड़ा और टीम इंडिया का स्कोर 203 पे 6 विकेट था। और ये था पहले दिन का पूरा दोस्तों खेल जो समापन हुआ था, पूरा मैच का हाईलाइट इसी प्रकार से था। और अगर बात करें हम वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की, तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स अगर केमर रोच की बात करें तो वो 3 विकेट गिरे, शेनॉन गैब्रियल ने जहां 2 विकेट, तो वही रोशन चेफ ने 1 विकेट झटके। यानी सब मिला के एक अच्छी तरीके से वेस्ट इंडीज़ की पारी रही और टीम इंडिया को लड़खड़ाती हुई शुरुआत का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद भी, अगर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों एक तरफ, जडेजा की बात करें तो वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और ऋषभ पंत ने भी एक अच्छा हाथ खेल दिया, तो उसके बाद टीम इंडिया अगर 300 और 315 के स्कोर पर पहुंच गई तो ये वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुमराह, ईशान और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं टीम इंडिया की तरफ से, जो कि वेस्ट इंडीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दूसरा सेशन कौन जीतेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको क्रिकेट के लिए अपडेट यही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों के साथ वीडियो खत्म।